स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। हमें सब्सक्राइब करें और वीडियो सबसे पहले देखने के लिए इस घंटे को दबाना ना भूलें। अगर आप मशीन खरीदना चाहते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां जाकर आप ये बेहतरीन मशीन खरीद सकते हैं। हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे चैनल इजी सिलाई सेंटर में। आज हम सीखेंगे एक सिंपल कॉलर वाला नेकलाइन जो बहुत ही खूबसूरत लगता है। ये देखिए, ये सूट पीस कटा हुआ है बहुत ही सिंपल तरीके से, और ये 9 इंच का एक कपड़ा पजामे का हमने लगाया हुआ है इसके ऊपर, और इसमें कुछ नहीं किया गया है, ठीक है। ये देखिए, ये फ्रंट की साइज़ है, इसमें हमने 20 से मतलब 2.5 इंच ऊपर की तरफ लंबाई और इधर से 2.5 इंच स्क्वायर करके हमें गोल काटा हुआ है, और यहाँ से हमने 5 इंच काटा हुआ है, ठीक है। ये देखिए, इसे हमने काट दिया है, और ये देखिए इस तरीके से ये बनेगा, जिस तरह के हमने फोटो में देख ही लिया होगा उस तरीके से बनेगा। देखिए, ये उरेब की पट्टी है, ये दो हमने काट के रखी है दोनों साइड के लिए, अगर एक में हो जाता है तो वो भी ठीक है। चलिए इसे डबल करके हम लगा लेते हैं इस तरीके से। ये देखिए, ये आप जो पट्टी लगाएंगे तो यहाँ पे जो आप आएंगे तो दोनों साइड की सिलाई बराबर होनी चाहिए, ऊपर नीचे नहीं होनी चाहिए, ध्यान दीजिएगा, दोनों साइड की सिलाई बराबर होनी चाहिए तभी वो सीधी दिखेगी, वरना टेढ़ी हो जाएगी, नीचे का जो कटिंग है वो टेढ़ी हो जाएगी, ठीक है। ये देखिए, बराबर से वहाँ से शुरू हो रहा है, ठीक। अब चलिए इसे काट देते हैं हम इसे दोनों साइड। ये देखिए, हमने काट दिया, और इसे नाखून मार के अब हम मोड़ देंगे। एक पाइपिंग डिज़ाइन भी बनता है, ये जिसके पास पाइपिंग नहीं है या पाइपिंग नहीं जानते हैं उसके लिए ये डिज़ाइन है। ये देखिए, ये देखिए इस तरीके से सिल देना है। ये देखिए, वन साइड का हो गया, और अब दूसरी साइड। ये पूरा सीट पीस हम नहीं बनाने वाले हैं, सिर्फ कॉलर का डिज़ाइन हम बताने वाले हैं। अगर आपको सूट पीस नहीं आता है तो आप हमें कमेंट करें, सेपरेटली एक वीडियो हम बना देंगे। ये देखिए, ये देखिए बन चुका है, और अब हम बीच की सिलाई सिर्फ चलाने वाले हैं। ये देखिए, इसे हमने पलट दिया है, और यहाँ पे जो वो कपड़ा निकला हुआ रहेगा आपके साइड पास, वो यहाँ पे स्टिच कर देना है इस तरीके से, ठीक है। ये देखिए कितनी खूबसूरत ये बन चुकी है, ये ठीक है। और अब हम इसे एक अंदर में हम चिप्पी लगाएंगे, ताकि वो ज़्यादा खुला है तो वो अच्छा नहीं लगेगा, तो इसे हम इस तरीके से एक अंदर में पट्टी लगा देते हैं सपोर्ट के लिए। यहाँ पे हुक लगेगा दो, यहाँ पे आप हुक लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते हैं, आपकी मर्ज़ी, ठीक है। ये देखिए, ये देखिए यहाँ पे बन चुका है ये। ये बहुत ही सुंदर बन चुका है दोस्तों। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब करें, और लाइक का बटन जरूर दबाएं दोस्तों, ज्यादा से ज्यादा लाइक दबाएं, और वीडियो को आगे तक लेके जाएं ताकि और भी इसे लाभ हो सके दूसरों को। ये देखिए, हमने शोल्डर को जोड़ दिया है दूसरे के साथ,
ये देखिए थोड़ा सा डाउन रखिएगा शोल्डर को। चलिए अब कॉलर हम बना देते हैं। ये देखिए जो टेलर लोग होते हैं वो कॉलर के हिसाब से गले को काटते हैं, लेकिन आपको यहाँ पे उल्टा करना है क्योंकि हमें इजी वे अपनाना है। तो कॉलर जो गला है वो पहले से कटा हुआ है कपड़े के साथ, और हमें कॉलर को बड़ा रखना है, और जितना भी कॉलर आएगा हमें रख देना है। ये थोड़ा उल्टा डिज़ाइन है, ये देखिए कॉलर साइज़ वाइज नहीं कटा हुआ है, देखिए ये एक्स्ट्रा है। और जो कॉलर है इसका कपड़े का वो कटा हुआ है, जितना वो होगा उतना कॉलर लग जाएगा। ये देखिए इस तरीके से आप सिल दे पहले से, बस आप ये देखिए यहाँ पे कटिंग आपको ध्यान से करना है, या आपको इतना ही एक्स्ट्रा रखना है कि आप जो दबाव लेंगे सिलेंगे वो कॉलर के अंदर छुप जाए, ठीक है, वो सिलाई जो है वो छुप जाए, कॉलर ही सिर्फ दिखे। ये देखिए यहाँ सामने से शुरू सिलना शुरू करेंगे इस तरीके से। ये देखिए और इसी तरीके से आप इसे पूरी तरह चारों तरफ सिल दें। चलिए ये हो गया कंप्लीट। और यहाँ पे आपको ध्यान देना, अगर आप स्क्वायर रखना चाहते चौकूट तो आप सीधे सीधे इसको सिल दें, वरना इसे राउंडेड भी आप कर सकते हैं, यहाँ से कोई दिक्कत नहीं। अगर आप राउंड कर सकते हैं तो यहाँ सिर्फ सिलाई राउंड करनी है और वो राउंड हो जाएगा, ठीक है। इस साइड भी उसी तरीके से करेंगे। ये जो बकरम है ये थोड़ा नरम टाइप का है, शर्ट में लगाया जाता है आगे की तरफ, ये वही बकरम है, ठीक है। चलिए इसे पलट देते हैं दोनों साइड। ये देखिए कोनों को निकाल देते हैं। ये देखिए इसे इस तरीके से चारों तरफ हम सिल देंगे। ये देखिए चारों तरफ हमने सिल दिया, बहुत ही आसान ये तरीका है, आप भी इसे एक बार जरूर ट्राई करें। बस ये देखिए हो चुका है बहुत ही इजी वे में। ये देखिए कॉलर तैयार। ये बकरम आप सोचिए कि चिपका हुआ नहीं, लेकिन अभी आप जो इसे प्रेस करेंगे तो ये जो है बकरम उस पर चिपक जाएगा, ठीक है, कपड़े पे चिपक जाएगा। इसके बाद आपको बस जो गम जिस साइड रहता है उसे आपको ऊपर की साइड करना है। ये देखिए बहुत ही सिंपल वे में, बहुत ही फास्ट, बहुत ही जल्दी। ये देखिए कॉलर वाला खुद सब नेकलाइन डिज़ाइन बन चुका है। तो आप भी बनाइए ऐसा और हमें साथ एक्सपीरियंस शेयर कीजिए, ताकि हमें कैसा लगेगा वो हम देख लेते हैं, ठीक है। ये देखिए और भी हमारे ढेर सारे वीडियो आप यहाँ से देख सकते हैं, यहाँ क्लिक करके आप देख सकते हैं किस तरीके से बनाया जाता है सब कुछ। जो भी आपको अच्छा लगे आप यहां से क्लिक करके देख सकते हैं। तो आप हमेशा हमें हंसते मुस्कुराते रहिए और आपका दिन मंगलमय हो। जय हिंद।